नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय द चाणक्य से, और आज जिम्मेदार कौन के शो में मैं आपको लेकर आई हूं थाने के गोडबंदर रोड पर। गोडबंदर रोड का स्ट्रेच 20 किलोमीटर है और मेरे इस हाथ पे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पड़ता है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे NH3 जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होके NH8 जो कि गुजरात की रोड को कनेक्ट कर देता है। ये वही शहर है जहाँ से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी आते हैं। मेरे पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। बेशक मेट्रो आने के बाद लोगों को बड़ी सुविधाएं हो जाएंगी, पर जब तक मेट्रो नहीं आ रही है लोगों को काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सर्विस रोड के बैरिगेट्स देखे, टूटे पड़े हैं, किसी को इस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि लोगों की सेफ्टी कैसे मैनेज होगी। अगर किसी को अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेरे दोनों तरफ, चाहे आप लेफ्ट साइड सर्विस रोड पे देखें या राइट साइड पे हाईवे NH48 पे देखिए किस तरीके से बैरिगेट खुले पड़े हुए हैं और किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया है। गोडबंदर के बाजू में ही सर्विस रोड है। ये सर्विस रोड TMC के अंडर आती है और यहाँ पे आपको हर टाइप के, यानी कि छोटे बड़े मीडियम साइज के गड्ढे मिलेंगे, और ये गड्ढे कोई बारिश के दिन नहीं है बल्कि अमूमन साल भर ये स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। ये जो आप नाली देख रहे हैं, ये नाली नहीं बल्कि सर्विस रोड है। हालत देखिए आप रोडों की, कहाँ है TMC। ये वो महानगर की रोड है जहाँ पे आप रोड ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, इतनी अनइवन रोड है ये। अभी तो क्योंकि दोपहर का वक्त है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, सुबह और रात के वक्त जब आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे गड्ढों में जब बड़ी बड़ी गाड़ी निकलती हैं, ट्रक्स, लोडेड ट्रक निकलते हैं, तो वो लहराते हुए निकलते हैं। कब कौन सी दुर्घटना यहाँ पर हो जाए इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। इन बड़े वाहनों के यहाँ से निकलने का एक तय समय है, लेकिन ये दिन भर यहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से थाने में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे की रोड है, जो बची कुची कसर है यहाँ के रोडों पे पाइपलाइन के बहाने गड्ढे खोद दिए जाते हैं। ठीक है, वो जरूरत पड़ जाती है, लेकिन क्या उन्हें गड्ढे भरने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? गाड़ियों की स्पीड देखिए कितनी स्लो हो रही है ऐसे खतरनाक गड्ढों के बीच जब उन्हें चलाना पड़ रहा है। तो गोडबंदर रोड और सर्विस रोड से कनेक्टेड है ये पाथवे, यानी कि फुटपाथ है जहाँ पर लोग सुविधाजनक चल सके, इसीलिए फुटपाथ बनाई जाती है। लेकिन क्या आप ऐसी फुटपाथ पे चलना पसंद करेंगे जहाँ पे कचड़े का ढेर लगा हुआ है? ये पूरे स्ट्रेच पे आपको जगह जगह पे कचड़े का ऐसे ढेर मिलते जाएंगे। जनता को काम दिखाने के लिए नाली से कचरा तो बाहर निकाल दिया, यानी खाना पूर्ति कर दी गई है, कचरा निकाल के बस वहीं रख दिया। जैसे ही बारिश होगी तो कचरा कहाँ जाएगा, वापस नालियों में भर जाएगा और प्रॉब्लम वहीं के वहीं रह जाएगी। ये जो सारी समस्याएं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, इनसे भी कई ज्यादा समस्याओं से यहाँ की जनता जूझ रही है। आए दिन उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, पर आवाज दें तो किसको, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पे जब लोग सुबह स्कूल, कॉलेजेस या अपने काम के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक इतना ज्यादा जाम रहता है कि लोगों को अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस पहुँचने में लगभग 2 से 3 घंटे ये लोग लेट पहुँचते हैं। ठीक यही हाल वापस रात के वक्त होता है, जब ये लोग ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो उन्हें यही मुसीबत झेलनी पड़ती है। ये छोटे छोटे से 300 मीटर की जो रोड आप देख रहे हैं, इतनी बुरी दुर्दशा है कि इसकी वजह से 8-8 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इतने लंबे जाम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले आपको देखेंगे ही नहीं। PWD, TMC, MMRDA, MMRDC, मेट्रो डिवीजन और ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट, आप सभी से अनुरोध है कि जो भी समस्याएं हमने आपको बताई हैं उस पर आप काम कीजिए। आप अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो ये सबके लिए फायदेमंद है, वरना यहाँ की जनता अब सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। नमस्कार।